बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचे, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी सत्ता के लिए आतुर है। चाहता लेकिन इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी सत्ता के लिए बहुत व्याकुल हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में सहभागी बनना पड़ेगा। राजनीतिक तरीके से देश में सत्ता मिलेगी, हिंसक तरीके से और अराजक तरीके से सत्ता नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि पात्रा को बचाने की कोशिश हो सकता है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ने जेएनयू में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस और वामपंथी दलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़की और इस मामले में कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। ये जो जेएनयू का बवाल हुआ है, सारे प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से लड़के आए, बाहर से गुंडे आए, और असली कारण ये था कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जेएनयू की परीक्षाएं रोकना चाहते थे कि छात्र परीक्षा फार्म ना भरें, रजिस्ट्रेशन ना करें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनका विरोध किया और ये कहा कि जेएनयू की परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए। देश भर के गरीब परिवारों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा फार्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, दिन में वामपंथी संगठनों के जो छात्र नेता थे उनकी दादागिरी के आगे नहीं झुके, तो रात में उन्होंने अपने समर्थन वाले गुंडों को बुलाकर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और अन्य जगहों से बाहरी तत्वों को बुला करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारना पीटना शुरू किया। सारा बवाल यहां से शुरू हुआ, आज ये पूरा देश देख रहा है। सारे विपक्षी दल इस देश के, विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी दल, अब वो इसी तरह की परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि जो मुद्दे उनके पास खत्म है उनको किसी तरह का एक मौका मिल सके सरकार के खिलाफ कुछ बोलने। मतलब कांग्रेस और वामपंथी दलों ने ये किया? ये बिल्कुल, आप देखिए ना, देश की सीमा पर जो शहीद होते हैं उनके घर पहुंचने में कांग्रेस के नेता को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को सालों लग जाते हैं, लेकिन जब बटाला इनकाउंटर होता है तो उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी पहुंच जाती हैं। जब सीएए को लेकर के हिंसक आंदोलन होता है तो हिंसा फैलाने वाले लोगों के घर पहुंच जाती हैं, और जब इस तरह के गुंडे बाहर से आकर के जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाते हैं तो उनसे मिलने पहुंच जाती हैं, तो तुरंत ही इतनी तत्परता से मिलने पहुंचने का संकेत आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कार्यकर्ता संगम में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का भी सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो भी बांटे। सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।